So hello everyone, welcome to your English class. This is your English educator Nikita Singh. So सारे मेरे 10th class के बच्चे जो हैं वो जल्दी से class को join कर जाएं क्योंकि हम लोगों ने शुरू कर दी है हमारे term 2 की तैयारी और हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो है पढ़ने वाले हैं literature. तो हम literature के साथ शुरू कर रहे हैं हमारे English के term 2 के syllabus की तैयारी. ठीक है. सो सारे बच्चे अगर क्लास ज्वाइन कर चुके हैं तो सिलेबस की तैयारी शुरू करवाने से पहले मैं एक बारी करवा देती हूँ आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस. तो मैं एक बार दे देती हूँ सभी बच्चों का अपना इंट्रोडक्शन. सो गाइस, मेरा नाम है निकिता और इंग्लिश मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ. साथ मिलकर हम लोग टर्म टू की तैयारी करने वाले हैं. सो अगर सारे बच्चे जल्दी से क्लास ज्वाइन कर चुके हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की एक बारी जल्दी से. सो क्विकली देख लीजिए कि ये दो आपकी जो बुक्स हैं, ठीक है, एक पहली बुक जो है जिसका नाम है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, ये है आपके सिलेबस में. और उसके अलावा जो दूसरी बुक है उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट. दोनों ही बुक्स आपको आ रही हैं, ठीक है, एग्जाम्स में. अब क्या है, दोनों ही बुक्स में से आधा जो है चैप्टर्स वो आपके टर्म वन में आने वाले हैं, आधे चैप्टर्स आएंगे टर्म टू में. सो हम लोग टर्म टू पे टारगेट करके चल रहे हैं अभी. तो हम पहले बेटा ये वाली बुक उठा रहे हैं, ठीक है. सबसे पहले हमने जो है ये वाली बुक को चुन लिया है. सो हम इसके इस बुक के साथ शुरू करेंगे, फर्स्ट फ्लाइट के साथ. अब फर्स्ट फ्लाइट में आपका चैप्टर नंबर 7 जो है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, उसके साथ आज हम कर रहे हैं हमारे इस क्लास को स्टार्ट. सो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर तीन आपको स्टोरीज दी गई हैं. आपको यहाँ पर तीन पार्ट में चैप्टर डिवाइड करके दिया गया है. अब ये तीन पार्ट में डिवाइड करने का अगर मैं बेसिकली बताऊं कि मोटिव क्या था, तो हमारा मोटिव जो है वो टाइटल को पढ़कर ही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, कि टाइटल है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, यानी कि यहां पर बच्चे बात की जा रही है भारत की झलक के बारे में. भाई हमारा जो इंडिया है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वास्ट है, एंड सबसे ज्यादा खासियत की बात अगर यहाँ पर बोली जाए तो वो है उसकी डाइवर्सिटी, ठीक है. ये बहुत ही एक डाइवर्स लैंड है भाई, यहाँ पर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा के लोग आपको सभी प्यार से प्रेम के साथ एक साथ रहते हुए दिख जाएंगे, है ना. सो यहाँ पर जो भारत है उसकी डाइवर्सिटी है, उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के अलग अलग भाषा वाले लोग साथ में रहते हैं, तो उसी की झलक हमें इस चैप्टर के माध्यम से दी जा रही है, ठीक है. सो इसको ना थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. पहले पार्ट में हम कहीं पर पढ़ रहे हैं, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, गोवा के बारे में. देन वी विल स्टडी अबाउट कूर्ग. उसके बाद हम चाय के खलियान में चले जाएंगे, तो बहुत ही अलग अलग, ठीक है, टी फील्ड्स में हम लोग जाने वाले हैं. सो एक बहुत ही बढ़िया सी हमारी जर्नी होने वाली है जहां पर हमें भारत के अलग अलग हिस्सों की झलक देखने को मिलेगी, ठीक है, है ना. सो भारत के अलग अलग हिस्सों की झलक देखने को मिलेगी. सो एक्चुअली ग्लिम्सेस का मतलब होता है झलक, ठीक है बेटा, भारत की झलक. सो हमारी ये जो प्यारी सी जर्नी है इसको हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले हिस्से के साथ, यानी कि सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला टेक्स्ट जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी कि हमारी जो जर्नी पहले होने वाली है वो होने वाली है गोवा की ओर. तो हम सारे के सारे अब जा रहे हैं गोवा घूमने के लिए. एंड एक्चुअली दिस लेसन इज रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स. ये जो चैप्टर है हमारा वो लूसियो रॉड्रिग्स के द्वारा लिखा गया है. अब यहाँ पर हम लोग केवल जो है गोवा घूमने ही नहीं जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग देखने जा रहे हैं लूसियो रॉड्रिग्स के बचपन को. हाँ जी. सो हमारे ये जो पूरे लेखक है ना यहाँ पर लूसियो रॉड्रिग्स, उन्होंने इस पूरे के पूरे चैप्टर के माध्यम से बेटा क्या समझाना चाहा है, उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से ना वो एक्चुअली आपको अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है. वो गोवा में रहते थे और गोवा में उनका लाइफ कैसी थी, गोवा में उनके साथ कौन कौन लोग थे, और ना उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट एक बेकर ने प्ले किया है. बहुत ही उनके चाइल्डहुड में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल था, किसका, एक बेकर का. सो ये जो पूरा चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा, उसके अंदर आपको बेकर का ही पेन पोर्ट्रेट दिया जा रहा है. आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहली लाइन में ही लिखा गया है कि दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट. ये क्या है, एक ये एक पेन पोर्ट्रेट है, ठीक है. दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट, ये एक पेन पोर्ट्रेट है. अब पोर्ट्रेट क्या होती है, पोर्ट्रेट एक चित्र होता है ना. हम लोग जाते हैं कहीं पर, आपने देखा होगा कि पोर्ट्रेट जो है वो क्या की जाती है, ऐसे ड्रॉ कर दिया, पेंट कर दिया. सो क्या है पोर्ट्रेट, यानी कि किसी का चित्र. लेकिन बेटा चित्र क्या है, पिक्चर क्या है, आप देख सकते हो, ये पेन पोर्ट्रेट है. किसी इंसान को ड्रॉ करने के अलावा आप इस तरीके से उनके एज, उनका अपीयरेंस, उनका लाइफस्टाइल, उनकी दिनचर्या, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनकी उनके अंदर क्या क्या अच्छाइयां थी,
कैसे थे वो इंसान, पूरा का पूरा जब आप उसको लिख करके डिस्क्राइब कर देते हो ना, तो क्या है वो, उसे हम कहते हैं पेन पोर्ट्रेट। एक बहुत ही इनफॉर्मल जरिया, एक इनफॉर्मल तरीके से जब आप एक इंसान का डिस्क्रिप्शन दे देते हो कि यार वो इंसान ऐसा था ऐसा था ऐसा था, ऐसे भी काम करता था, ये भी करता था, उसका दिन ऐसे शुरू होता था तो ऐसे खत्म होता था, लोगों से ऐसे बात करता था, तो जब आप सारी चीजें उसको लिख करके बता देते हो ना किसी इंसान को, तो वो एक पोर्ट्रेट से कम नहीं होती। क्योंकि जितना आप एक इंसान को देख करके समझ जाओगे, आपने उस तरीके से उसकी सारी क्वालिटीज को लिख करके उस इंसान के बारे में सारी चीजों को लिख दिया है कि कोई जब उसको रीड करेगा ना तो एक्चुअली वो एक मेंटल पिक्चर बना सकेगा। सो पेन पोर्ट्रेट हम उसी को कहते हैं कि आप एक इंसान के क्वालिटीज के बारे में इतना ज्यादा अच्छे से उसको लिख करके डिस्क्राइब कर दो कि पढ़ने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए, उसके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि अच्छा यानी कि ऐसा था इंसान, मतलब हम इमेजिन कर पा रहे हैं, हम समझ गए, हमारे दिमाग में भी एक पोर्ट्रेट बन चुकी है। सो यहां पर लूसियो रॉड्रिग्स हमारे जो राइटर हैं, इनका नाम जरूर याद रखना है, ठीक है, सभी टीचर्स ने बोला है, मैं भी बोल दूं क्योंकि बहुत जरूरी है, राइटर के नाम आपको पता होने चाहिए। सो यहाँ पर इसी तरीके से याद कर लो कि आपको ना ये जो पूरी कहानी देखने को मिल रही है वो हमारे राइटर के बचपन के ही कहानी है। लूसियो रॉड्रिग्स अपने बचपन की कहानी बता रहे हैं कि भाई जब वो छोटे थे वो गोवा में रहते थे और गोवा में एक बेकर था और वो बेकर जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है उनके बचपन में, ठीक है, उनके बचपन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा वो रहा है और उसी बेकर के बारे में इस चैप्टर के अंदर वो बता रहे हैं, ठीक है, आगे समझ में आप सभी को। सो हम एक बार इसे रीड कर लेते हैं। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज, एक बहुत ही ट्रेडिशनल गोवा का विलेज जो था वहां पे एक बेकर था, है ना, जिसकी आज भी बहुत ही अहमियत है उस जगह पे, यानी कि अगर आज भी आप गोवा चले जाओगे और गोवा के अगर आप ट्रेडिशनल किसी विलेज में चले जाओगे तो आपको दिखेगा कि विलेज में आज भी बेकर्स को कितनी अहमियत दी जाती है, है ना। सो ऑल वी न्यू अबाउट गोवा वॉज कि गोवा इज फेमस फॉर इट्स बीचेस, है ना, जो भी हमें पता था आज तक गोवा के बारे में यही पता था कि गोवा तो बीच के लिए फेमस है, वहाँ तो बहुत ही सुंदर सुंदर बीचेस है, समुद्र है, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो जगह अपने बेकर्स के लिए, अपनी बेकिंग स्किल्स के लिए भी फेमस है, बट इस चैप्टर से हमें पता चल रहा है। तो आप देख रहे हो हमारा जो ट्रिप है वो कितना इंटरेस्टिंग तरीके से एक मोड़ ले रहा है। गोवा के बारे में सबने सोचा था यार समुद्र बीचेस, है ना, सो बीचेस के अलावा हम लोग गोवा का एक ऐसा पार्ट के बारे में जान पा रहे हैं, एक ऐसी चीज के बारे में जान पा रहे हैं जो कि बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगी कि गोवा इज फेमस फॉर इट्स बेकर्स एंड इट्स बेकिंग स्किल्स, ठीक है। सो यहाँ पर जो है गोवा में अगर आप आज भी जाओगे तो आपको वहां पर दिख जाएगा कि बेकर्स की बहुत अहमियत है। सो इसके साथ हम लोग जो है अपने पूरे के पूरे चैप्टर को करते हैं शुरू। सो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने बताया है आपको कि हमारे जो राइटर हैं लूसियो रॉड्रिग्स, वो एक्चुअली बात कर रहे हैं अपने बचपन की। सो वो आपको शुरुआत में ही बता रहे हैं कि भाई देखो, जो अगर बचपन में ना हम लोग अपने इधर उधर जैसे घूम रहे होते थे तो हमें बहुत सुनने में आता था कि हमारे बचपन में जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो बड़ा ही अपने पुराने जमाने को, अपने पुराने दिनों को याद करते रहते थे। होता है ना कई बार जब हम लोग भी ऐसे पुराने जमाने को सुना होगा, दादी दादी नाना नानी के साथ बैठ जाओ तो वो अपने बचपन की अपनी पुरानी बातें कितने कितने प्यार से सुना रहे होते हैं कि हमारे बचपन में तो ऐसा होता था। सो इसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया, इसे कहते हैं रिमिनिसिंग। रिमिनिसिंग यानी कि बेटा पुरानी यादों को याद करना, वो जो भाव होता है ना, एक फीलिंग, वो फीलिंग आती है ना एक, मतलब व्हेन यू मिस योर गुड ओल्ड डेज, जब आप अपने पुराने अच्छे दिनों को मिस करने लग जाते हो, थोड़े से भावुक भी हो जाते हो कि यार वो भी क्या दिन थे, है ना, और आप उनको याद करते हो, तो उसको अपन रिमिनिसिंग या नॉस्टैल्जिया बोल सकते हैं। रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, ठीक है, भावुक तौर पे, है ना, मिस करते हुए जब आप अपने पुराने दिनों को याद करते हो तो रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, ये होता है उसका मतलब, ठीक है। सो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि भाई वो बता रहे हैं लूसियो रॉड्रिग्स के, हम जब भी चले जाओ ना बाहर, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को आप बस कहीं पे भी वो बैठे नजर आ जाएं तो आप उनको एक चीज में सुन लोगे कि वो हमेशा बातें करते रहते थे उन पुराने दिनों की जब पोर्चुगीज रहते थे। अब यहाँ पे किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम इंडिया की बात हो रही है, पोर्चुगीज ये क्या है? तो मैं बता दूं कि पोर्चुगल एक जगह है, ठीक है, पोर्चुगल इज अ प्लेस, एक्चुअली सदर्न यूरोपियन कंट्री है ये, ठीक है। सो पोर्चुगल एक जगह है, अब पोर्चुगल बहुत ही फेमस जगह है, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, पोर्चुगल का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक बहुत ही फेमस नाम आ जाता है, आपने सुना होगा सभी ने, मिस्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर है भाई, वो यहीं से आते हैं,
उन्हीं की जगह है ये, उन्हीं की जन्मभूमि है ये. सो ही वॉज बॉर्न हेयर. एक बहुत ही फेमस है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो भाई फुटबॉल का नाम आए और मिस्टर CR7 का नाम ना आए ये तो पॉसिबल नहीं है. सो एक्चुअली अब यहाँ का और भारत का लिंक क्या है, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि अराउंड 5 1 5 1 0 यानी कि इस समय के दौरान 1510, ठीक है. सो इस समय के दौरान क्या हुआ था कि पोर्चुगीज जितने भी पोर्चुगल में रहने वाले लोगों को हम बोलते हैं पोर्चुगीज, तो जितने भी पोर्चुगीज लोग थे ना वो भारत आए, वो गोवा आए, और गोवा में आके उन्होंने काफी लंबे समय तक किया राज. अब जाहिर सी बात है देखो, जब ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, तो हमने उनके बहुत से तौर तरीके, उनका बहुत से मतलब जो हैबिट्स थी, उनका जो तरीका था वो हमने अपना लिया. तो पोर्चुगीज लोग जब आए और उन्होंने भारत पर और भारत के खास हिस्से गोवा पर राज किया, तो उन्होंने एक्चुअली 4500 ईयर्स ये राज किया था भाई. ऐसा भी नहीं है एक दो साल के लिए आए थे वो, 450 ईयर्स, मतलब 450 साल. कितना ज्यादा हो जाता है, कितनी सारी सेंचुरीज हैं इसके अंदर. सो इतने लंबे समय के लिए उन्होंने राज किया था गोवा पे, तो जाहिर सी बात है गोवा के लोगों ने ना वहां से बहुत सी चीजें अपना ली, उनका तौर तरीका, उनका रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल क्या कर लिया था, अपना लिया था. सो वहां से ना अब पोर्चुगल जो है बेशक आज के जमाने में फेमस होगा अपने फुटबॉल के लिए, पर बच्चे उस टाइम पे वो फेमस था अपनी ब्रेड्स के लिए, यानी कि पोर्चुगीज लोग भाई जो बढ़िया बढ़िया ब्रेड्स बनाते थे और आज भी बनाते हैं. सो जो बढ़िया बढ़िया उनका पोर्चुगीज लोगों का प्यार ही अलग था भाई ब्रेड को लेकर के. अब ब्रेड किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि ब्रेड मैम ब्रेड को लेकर के किसी का कोई इतना प्यार क्यों होगा, ब्रेड में क्या ही खास होता है. सो जब मैं ब्रेड की बात कर रही हूँ तो आई एम नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ पीस ऑफ ब्रेड, एक एक्चुअली एक ब्रेड के बारे में ही बात नहीं हो रही है. ब्रेड से मेरा मतलब है सी स्वीट ब्रेड्स, केक्स, मफिन्स, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, ये बेकिंग के बारे में आ जाती है. तो बेकर का काम ही होता है बच्चे बेकिंग करना, ठीक है. और बेक यानी कि केवल ब्रेड नहीं बनाना, स्वीट ब्रेड बना दी, डोनट्स बना दिए, केक्स, मफिन्स, तो बहुत सारी चीजें. और पोर्चुगीज ना पोर्चुगीज के मतलब आप कह सकते हो उनके खून में ये कला थी कि वो बहुत अच्छी अच्छी बहुत प्यारी प्यारी बहुत टेस्टी टेस्टी ब्रेड्स बनाते थे. अब जब वो यहाँ पर भारत पे राज करने के लिए आए तो फिर वो अपने कला को भी अपने साथ लाए, और जब जिस दौरान 450 साल छोटी चीज़ नहीं होती है, उन्होंने उस दौरान जब जितना हम पर राज किया तो हमने भी ना उनकी वो आदतें अपना ली. अब यहाँ पर बात हो रही है कि बेशक यार वो पोर्चुगीज ये 450 साल उन्होंने राज किया था, और वो भी देख रहे हो आप कब की बात है, बहुत सालों पहले की बात है. तो वो तो चले गए, यानी कि वो लोग तो चले गए भाई, वो मर भी गए, फिर उनका धीरे धीरे जो है टाइम बदला. सो सब कुछ क्या हुआ कि उनका राज भी खत्म हो गया गोवा के ऊपर से, वो लोग तो चले गए, लेकिन वो अपने पीछे अपनी उस कला को छोड़ गए, अपने पीछे वो अपने उस टैलेंट को छोड़ के चले गए. कौन सा टैलेंट? बेकिंग का टैलेंट. तो यानी कि वो बोल रहे हैं, लूसियो रॉड्रिग्स हमारे राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई देखो बचपन में ना जो एल्डर्स थे वो बहुत याद करते थे उन पुराने दिनों को, उन पोर्चुगीज दिनों को, उस समय को जब पोर्चुगीज लोग हम पर राज कर रहे थे. क्योंकि वहां पर फिर क्या था, गोवा में एक अलग ही माहौल था, क्योंकि वहां पर बेकर्स की बहुत अहमियत थी, लोग बेकिंग पसंद करते थे, ब्रेड्स बनती थी. और असल में ये बूढ़े बुजुर्ग लोग ना उन पोर्चुगीज के राज के दिनों को याद नहीं कर रहे थे, ये गलत मत समझना, वो याद कर रहे थे कि उस राज में, उस राज के समय पे व्हेन पोर्चुगीज वर रूलिंग ऑन गोवा, ठीक है, उनका रूल था गोवा पर, वो राज कर रहे थे, उस दौरान उनको ब्रेड्स मिलती थी, तो वो ब्रेड्स को बड़ा याद करते थे. अब बेशक पोर्चुगीज लोग तो जा चुके हैं, वो लोग तो मर गए भाई, वो लोग वो पीढ़ी दर पीढ़ी समय आगे चलता गया, लेकिन क्या रह गया पीछे, वो ब्रेड्स जो थी, लोव्स ऑफ ब्रेड्स जो है वो पीछे रह गई, ठीक है. सब यहां पर देख रहे हो कि पोर्चुगीज जा चुके हैं लेकिन ब्रेड बनाने वाले आज भी जिंदा हैं, सो ब्रेड मेकर्स आर स्टिल अलाइव. अब इसके आगे अगर हम देखें तो लोव्स ऑफ ब्रेड समझना बेटा, एक होता है ब्रेड का पीस, ठीक है, और पूरा का पूरा बन होता है ना जो ब्रेड का, उसे हम लोग लोव्स ऑफ ब्रेड बोलते हैं. सो लोव एक सिंगल पीस होता है, इसका अगर हम प्लूरल कर देते हैं तो LOAVES लोव्स निकल आता है. सो सिंगल पीस ऑफ ब्रेड, एक बन को अपन लोव बोलते हैं, प्लूरल होता है उसका लोव्स. सो हम बहुत सारी ब्रेड्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों को याद रखना, ठीक है, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो आगे बात हो रही है कि भाई आज भी ना बेशक वो पोर्चुगीज के लोग जा चुके हैं, बट आज भी वो ब्रेड के मिक्सचर को मिक्स करने वाले लोग, फिर उसको आकार देने, मोल्डर्स, मोल्डर्स कौन होते हैं,
यार ब्रेड जब हम खाते हैं तो ब्रेड किसी भी शेप की तो नहीं होती है, पर्टिकुलर शेप की होती है, और उसको ये शेप दिया जाता है, उसको ये आकार दिया जाता है कैसे, मोल्ड करके। तो मोल्ड करना यानी कि शेप देना। सो बेशक पोर्चुगीज लोग जा चुके हैं, बट आज भी ब्रेड बनाने वाले लोग गोवा में जिंदा हैं। वो उसको ब्रेड बनाने का जो पूरा आइटम चाहिए होता है, जो पूरे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने वाले लोग भी जिंदा हैं, उसे आकार देने वाले, ब्रेड को आकार देने वाले लोग भी जिंदा हैं, और उस ब्रेड को अल्टीमेटली बेक करने वाले लोग भी जिंदा हैं। और तो और लोगों के साथ ही साथ वो फर्नेसेस, फर्नेस का मतलब क्या होता है, भट्टी। अब जैसे अब हमारे घर पे होते ना ओवन्स, किसी को पिज्जा खाना है, किसी को केक खाना है, तो मम्मी क्या बोलती है कि भाई बाहर से खाने से बेटर है कि हम लोग चलो ना जल्दी से अभी क्या बना लेते हैं, घर पे बना लेते हैं। लेकिन बहुत जब ये तो होता है कि जब आपको एक आधा केक बनाना है तो आपने घर पे ओवन में बना लिया, लेकिन बड़े बड़े जब आपको बहुत सारे केक्स बनाने हैं, अब किसी की बेकरी की शॉप है, उसे तो एक दिन में बहुत सारे केक बनाने पड़ते हैं, सो एक ओवन में काम नहीं चलेगा, वो रखते हैं बड़े बड़े फर्नेसेस, ठीक है, बहुत बड़े बड़े। सो उसको अपन बोलते हैं क्या, फर्नेस, यानी कि भट्टी जिसके अंदर ब्रेड्स बनती हैं। So, वो बोल रहे हैं कि भाई देखो पोर्चुगीज चले गए, पीछे लोग हैं जो आज भी उस कल्चर को, उस रूटीन को, उस आदत को कंटिन्यू कर रहे हैं, ब्रेड तो आज भी बन रही है, और वो ब्रेड को मिक्स करने वाले लोग भी हैं, उसे आकार देने वाले, उसे बेक करने वाले लोग भी हैं, और लोगों के साथ ही साथ वो भट्टियां, वो फर्नेसेस भी आज जिंदा हैं, उसमें अभी भी आग जल रही है, यानी कि वो जो रिवाज था वो अभी तक कंटिन्यू होता आ रहा है। उसके बाद देख रहे हो यहां पर वो बता रहे हैं कि स्पेशल नाम दिया गया है, गोवा में बेकर्स को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है जो है पैडर। अब ये बेटा बहुत मतलब लाइक आई एम ऐसे मार्किंग इट यहाँ पर, ऐसे मैं इसको ना 5 स्टार्स दे रही हूँ कि आप लोगों को इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा आपको एक ट्रेडिशन के बारे में बता रहा है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में ऐसे मार्क कर लेना, डबल हाईलाइट कर लेना 5-6 बारी कि ये याद रहना चाहिए। सो गोवा में जो है हम लोग बेकर्स को, लोग वहाँ के गोवा के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, बेकर्स को पैडर नाम से भी बुलाते हैं। सो बेकर का एक और नाम है गोवा के लोगों के लिए पैडर, इसको याद रखेंगे। ओके, सो अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी बात बोली गई है लूसियो रॉड्रिग्स ना। अब बेकर के बारे में तो उन्होंने बता दिया, उन्होंने शुरुआती कहानी आपको बता दी कि बेकर भाई बहुत जरूरी होता था, क्योंकि बेकिंग गोवा में कहाँ से आई, पोर्चुगीज की तरफ से आई, पोर्चुगीज लोग लेकर आए। अब वो बोल रहे हैं कि जो बेकर था ना, वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस थी उसकी, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसान था वो, क्योंकि वो बेकर केवल एक बेकर नहीं था जिसके पास हम गए, हमने बोला भैया हमें ब्रेड दे दो और उसने हमें ब्रेड दे दी, नहीं, वो बेकर उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो बेकर कहीं ना कहीं बच्चों का फ्रेंड भी था, बच्चों का कंपेनियन भी था, और बच्चों का एक क्या था, एक मार्गदर्शक आप कह सकते हो बेटा, एक गाइड भी था, यानी कि बच्चों के साथ ना बच्चों जैसा बन जाता था, दोस्ती हो गई थी बच्चों की उस बेकर के साथ, बच्चे उसको अपने दोस्त के तौर पे देखते थे, अपने साथी के तौर पे देखते थे, और अपने अपने मार्गदर्शक के तौर पर भी देखते थे। सो अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो बता रहे हैं, अब यहाँ पर पेन पोर्ट्रेट है, सो आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी बेकर के बारे में। सो वो आगे बताते हैं कि बेकर जो था ना, उसका रूटीन था कि वो दिन में 2 बार ही आया करता था, एक बार तो सुबह जाता था जब अपना सारा सामान बेचने के लिए, सारी ब्रेड्स को लेकर के, ठीक है, वो भी कैसे, जिंगलिंग थर्ड, इसको भी याद रखना, इसके बारे में मैं बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो, he used to come at least twice a day, जो बेकर है वो दिन में कम से कम 2 बार आता था, एक बार तो सुबह सुबह जब वो अपनी टोकरी में सारा ब्रेड्स वगैरह रख के लेकर जाता था बेचने के लिए, और दूसरी बार शाम को जब वो खाली टोकरी वापस लेकर के आता था सारी ब्रेड्स बेचने के बाद। अब यहाँ पर ना बेकर की एंट्री के बारे में बात की गई है कि भाई बड़ी शानदार एंट्री थी उसकी। बेकर के पास था एक बहुत ही बड़ा सा बैम्बू स्टिक, और उस बैम्बू स्टिक के ऊपर ना ऐसे छन छन करने वाले वो चाइम्स लगे हुए थे, जिसमें से अगर आप होते ना घुंघरू टाइप का, जिसको अगर आप लकड़ी को ऐसे सोचो, लकड़ी को अगर आप ऐसे जमीन पे पटकोगे तो ऊपर के घुंघरू बज उठते थे। तो अब वो क्या करता था बेकर, उसके पास एक ऐसा बैम्बू की बहुत बड़ी सी स्टिक थी, और जब वो चलता था तो वो उस स्टिक को जमीन पे पटक पटक कर चलता था, और जब जब वो क्या होती थी, हमारा बैम्बू स्टिक जमीन पर लगता था तो उसमें घुंघरुओं में से आवाज आती थी, छन छन झंग झंग की आवाज आती थी, और बच्चों को पता चल जाता था कि भाई बेकर आ चुका है, तो दौड़ के बेकर के पास चले जाते थे उससे मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए, ठीक है।
अब आगे जो कहानी में वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक हाथ जो हुआ करता था ना बेकर का, एक हाथ से इतनी बड़ी उसके पास टोकरी होती थी, उसमें सारी तरीके की ब्रेड्स होती थी भाई, नॉर्मल ब्रेड्स और लोव्स और बैंगल्स, बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। तो वो एक हाथ से ना टोकरी को पकड़ता था, एक हाथ से वो अपनी स्टिक को पकड़ता था, बैम्बू स्टिक को, ठीक है। तो एक हाथ से वो टोकरी को सपोर्ट करता था, एक हाथ से स्टिक को पकड़ता था और उस स्टिक को जमीन पर मारता था जोर से, तो वो स्टिक के ऊपर से जो जितने भी क्या लगे हुए थे, वो जो बेल्स थी वो बजती थी, तो लोगों को पता चल जाता था कि कौन आ चुका है, बेकर आ चुका है। अब बच्चे जैसे भाग कर पहुंच जाते थे ना बेकर के पास, तो क्या होता था कि बेकर तो बच्चों को तो भाई प्यार था बेकर से, बच्चे तो दे यूज टू लव दैट बेकर, है ना, क्योंकि फ्रेंड था। लेकिन बेकर तो अपना सामान बेचने आता था, तो वो लेडीज के पास जाकर के उनसे बड़े प्यार से कि गुड मॉर्निंग मैम, है ना, ऐसे करके उनसे बात करता था। अब लेडीज और जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो आते थे बेकर से सामान खरीदने के लिए, लेकिन बच्चों को तो अलग ही प्यार था। अब बच्चे उसके आसपास उसे घेर के खड़े हो जाया करते थे, तो बच्चे जब उसे आसपास घेर के खड़े हो जाते थे तो होता है ना, कई बार मम्मी ऐसे डांट देती ना, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर, चलो घर जाओ, है ना, हटो यहाँ से, हमें अपना काम करने दो, हमें सामान वामान खरीदना है खरीदने दो। तो बच्चों को छोटी सी डांट फटकार से साइड कर दिया जाता था, माइल्ड रिब्यूक। माइल्ड होता है हल्की फुल्की, माइल्ड का मतलब होता है हल्की फुल्की, रिब्यूक का मतलब होता है डांट फटकार। सो हल्की फुल्की डांट फटकार से बच्चों को बोल दिया जाता था कि चलो चलो भागो यहां से, हमें अपना काम करने दो, हमें सामान खरीदना है। पर बच्चे तो रहे बच्चे, बच्चे कहां भागने वाले हैं भाई, है ना, उनकी अपनी जिद है। तो वो क्या करते थे, वो इधर उधर से कहीं बेंच पे खड़े होकर, कहीं रेलिंग पे खड़े होकर कुछ इस प्रकार वो झांकते थे टोकरी के अंदर कि भाई इस बार जो है बेकर आज क्या नया लेकर के आया है, ठीक है। सो यहां अच्छा मैं आपको एक यहां पे वर्ड बता देना चाहती हूं बेटा, यहां पर जो एक वर्ड है पैरापिट, व्हाट डज पैरापिट मीन, तो पैरापिट आपको दिख रहा है इस तरीके की कुछ रेलिंग, इसको पैरापिट बोला जाता है, ठीक है। रेलिंग, किसी भी चीज की रेलिंग को अपन पैरापिट बोलते, तो या तो बच्चे बेंच पे खड़े होते थे या पैरापिट पे ऐसे चढ़ चुड़ के झांकने लग जाते थे कि उनकी टोकरी में क्या रखा है। सो लेट्स मूव फर्दर। अब यहां पर बात हो रही है कि देखो, अब एक बात बताएं, बच्चों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था भाई कि जो है बच्चों को ज्यादा फर्क किस बात से था, बच्चों को बेशक माना कि बेकर से बहुत अच्छी दोस्ती थी बच्चों की, किससे, बेकर से बच्चों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बच्चों को ज्यादा फर्क किससे पड़ता था, बच्चे तो रहे बच्चे, उनको तो क्या था कि जैसे ही बेकर आ गया है, बेकर आ गया है दैट मीन्स बेकर लेकर के आया है अपने साथ बहुत सारा इंटरेस्टिंग सा, बहुत सारा टेस्टी सा सामान। सो जो बड़े बड़े लोग थे वो क्या खरीदा करते थे बेटा, जो बड़े बड़े, अच्छा हम लोग आगे चलते हैं, जो बड़े बड़े लोग थे वो खरीदा करते थे आप कह सकते हो बहुत सारी ब्रेड्स, लोव्स ऑफ ब्रेड्स, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनके तो सबसे ज्यादा नजरों में एक ही चीज थी, क्या, ब्रेड बैंगल्स। अब ब्रेड बैंगल्स जो थी वो ऐसे डोनट्स, देखे आप लोगों ने ऐसे डोनट ऐसा होता है ना एक, सो डोनट के टाइप का होता था ब्रेड बैंगल, चूड़ियां होती है ना इसलिए उसको वो चूड़ी, जैसे हम लोग हाथ में पहन लेते हैं चूड़ियां, सो बैंगल्स क्या होती है, चूड़ियां, तो वो ब्रेड की होती थी, तो बच्चों को वो ब्रेड बैंगल्स बड़ी पसंद थी और वो मीठी होती थी और कुछ बड़ी खास चीज से बनाता था उन जो बेकर था, तो बच्चों को ना उससे बहुत प्यार था कि भाई बेकर आ गया यानी कि ब्रेड बैंगल्स आ गए, तो वो जाकर ऐसे घेर के खड़े हो जाते थे। अब मम्मी पापा ने डांट फटकार के, बड़े लोगों ने डांट फटकार के तो साइड में कर दिया, पर बच्चे चढ़ चुड़ के देख रहे कि भाई ब्रेड बैंगल बचा है कि नहीं बचा है, मुझे लेना है, ठीक है। अब ब्रेड बैंगल तो खरीद लिया, तो अब वो बचपन की कहानी को जिस तरीके से बता रहे हैं कि यार ब्रेड बैंगल को खाने के लिए अब होता नहीं था इंतजार, कैसे इंतजार करें ब्रेड बैंगल खाने का, अब मम्मी बोली कि जाओ ब्रश करो, और ब्रश करना भी आसान नहीं था, ब्रश करने के लिए ऐसे नहीं कि हम लोग आजकल क्या करते, ब्रश उठाया, टूथपेस्ट लगाया और ब्रश करना चालू, तब उनको क्या करना पड़ता था। अच्छा एक वर्ड है बच्चों को पता होगा, मंजन बोलते हैं मेरे ख्याल से, कि नीम की पत्तियों से भी लोग करते हैं, नीम की डालियों से भी लोग करते हैं, कि नीम की डाली तोड़ी एंड दे एक्चुअली च्यू इट, उससे दांत साफ हो जाते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है, यहां पर लूसी रॉड्रिग्स बता रहे हैं कि वो अपने बचपन में ब्रश करना आसान काम नहीं था, अब कौन इतनी मेहनत करे भाई एक ब्रेड बैंगल को खाने के लिए, जो कि बच्चों को वैसे ही बहुत एक्साइटिंग लगता था कि ब्रेड बैंगल तो उनकी सबसे फेवरेट चीज थी, अब अपनी फेवरेट चीज को खाने के लिए इंतजार हो पाता है, नहीं हो पाता। ऐसे सुबह हम किसी दिन उठे और मम्मी बोले कि बेटा आज तो तुम्हें सुबह सुबह पिज्जा खाने को मिलेगा, या किसी बच्चे का फेवरेट राजमा चावल हो तो मम्मी बोले अच्छा मैंने राजमा चावल बनाया जल्दी से ब्रश करके आ जाओ, इंतजार होता है ब्रश करने का भाई, नहीं कर पाते इंतजार, यूं होता है कि नहीं मम्मी ब्रश बाद में कर लेंगे, मतलब ट्राई तो हर बच्चा करता है कि नहीं मम्मी ब्रश बाद में कर लेंगे, पहले एक बाइट दे दो, एक बाइट पिज्जा खा लेता हूँ, एक बाइट थोड़ा सा राजमा चावल खा लेते, ब्रश बाद में कर लेंगे। बट हालांकि
मम्मी नहीं मानती है और मानना भी नहीं चाहिए, ब्रश करना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर वही बात हो रही है, बच्चे तो बच्चे हैं भाई, सबका बचपन एक सा ही होता है ऑलमोस्ट। तो अब जब उनको इतना ज्यादा पसंद है ब्रेड बैंगल, उसको खाने के लिए कोई कैसे इंतजार करे। तो बच्चे क्या करते थे, अब वहां पर लूसियो रॉड्रिग्स हमें अपनी लाइफ का स्ट्रगल बता रहे हैं कि भाई देखो स्ट्रगल कितना था लाइफ में कि ब्रेड बैंगल खाने के लिए ब्रश करना पड़ेगा। ब्रश तो उस टाइम पे हम ऐसे करते ही नहीं थे कि पेस्ट लगाया और ब्रश कर लिया, हमें उनको उस टाइम पर, यानी कि लूसियो रॉड्रिग्स कहना चाह रहे हैं कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी ब्रश करने के लिए। पहले जाओ आम के पेड़ पे से आम की पत्तियों को तोड़ो, फिर उन्हें फोल्ड करके ऐसे अपने टीथ पर रब करो, इतनी मेहनत कौन करे जब यही काम एक कप चाय कर सकती है, जब यही काम कौन कर सकता है, यही काम एक कप चाय कर सकती है, एक गर्म चाय की प्याली अगर आप पी लोगे तो आपके दांत जो है वो वैसे ही साफ हो जाएंगे। सो वो पीने से जब काम हो रहा है तो इतनी मेहनत क्यों करनी। तो यहां पे देख रहे हो आप, यहां पर ना हमें एक बचपने वाली फील नजर आ रही है कि कैसे जैसे बच्चा होता है ना, बहाने ढूंढ लेना, कह रहे यार मम्मी ने ब्रश करने को कहा है, क्या ही फर्क पड़ता है ब्रश करने से, कौन सा ब्रश करने से कुछ हो जाएगा, छोड़ो छोड़ो क्या ही ब्रश करना, ऐसी गार्गल कर लेते, बस मुंह में पानी डाल के और हल्का सा गार्गल कर लेते, कुल्ला कर लेते और उससे हो जाएगा सबसे। तो ऐसा ही कुछ हमारे लूसियो रॉड्रिग्स ने सोचा कि भाई क्या ही करना है ना, अब कौन इतनी मेहनत करेगा, एक गर्म चाय की प्याली पी लो, एक गर्म चाय पी लो एक कप, बढ़िया, और उससे हमारा मुंह साफ हो जाएगा। वैसे भी शेर जो है वो कौन सा इतना ब्रश करते हैं, उनके दांत तो इतने मजबूत होते हैं। तो देख रहे हो आप, ना करने के बहाने ढूंढना हर कोई करता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हर बच्चा करता है कि यार ठीक है ना, जो शेर जो है, टाइगर्स जो है, वो कौन सा ब्रश करते हैं, बट उनके टीथ तो कितने स्ट्रांग होते हैं, हाँ तो हमारे टीथ को भी कुछ नहीं होगा, हमारे दांतों को भी कुछ नहीं होगा, बस चाय पी लेंगे और सब साफ हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमारा तो सबसे पहले एम है कि हमें तो ब्रेड बैंगल्स खानी है भाई, हमें तो वो जो ब्रेड है जो मीठी मीठी और कुछ खास चीज से बनी हुई ब्रेड है, हमें तो वो चाहिए। सो यहां पर वो उनका पूरा का पूरा रूटीन बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलो सो इतना पढ़ लिया है, अब जल्दी से तुम्हारा नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं कि तुम लोगों को कितना अच्छे से समझ में आया है, कितना ध्यान दे रहे थे सारे बच्चे यहाँ पर। सो रेडी है सारे के सारे बच्चे, एक बार नॉलेज टेस्ट छोटा सा। So this is the time for your knowledge test and here I bring your first question. So ये रहा आपका पहला question. What are the elders in Goa nostalgic about? हमारे गोवा के जो elders हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो किस चीज़ को लेकर के nostalgic हैं? जल्दी जल्दी से सोचिए and then हम आगे मूव करेंगे। एक दूसरा question भी आपके लिए लेकर के आई हूँ मैं। So जिस बच्चे ने बहुत ध्यान दिया होगा ना, वो ऐसे चुटकियों में आंसर कर देगा। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करके बताता है और किसका सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर आता है। भाई व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, भाई हमारे गोवा में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो किस चीज को लेकर के नॉस्टैल्जिक हैं, किस चीज को लेकर के भावुक हो रहे हैं एंड दे आर क्या कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली रिमिनिसिंग अबाउट देयर गुड ओल्ड डेज। सो जल्दी कमेंट सेक्शन में कुछ जल्दी से कमेंट सेक्शन में सबके आंसर्स दिखने चाहिए and done. So अगला question, जल्दी से तैयार बैठेंगे बच्चे। What is the baker called? गोवा में बेकर को क्या कहते हैं? This is very easy. अभी बताया था मैंने, तो जल्दी से comment section में आना चाहिए answer. गोवा में बेकर को क्या कहते हैं? Come on. मैं countdown कर रही हूँ, 10, 9, 8, जल्दी 7, 6, 5, 4, 3. चलो जल्दी 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 जल्दी, टाइम अप होने वाला है। गोवा में बेकर को क्या कहते हैं? मैंने अभी कहा था दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये क्वेश्चंस जो हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए सो सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है कमेंट सेक्शन में, डोंट वरी, आई विल चेक इट, मैं देखूंगी इसे पर्सनली, ठीक है। सो बेटा यहां पर देखो, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, सीधी सी बात है, पोर्चुगीज डेज, गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, यहां पे हमारा जो आंसर आएगा, ठीक है। वो लोग किसके बारे में नॉस्टैल्जिक थे? वो गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज और खास तौर पे पोर्चुगीज जो वो लोव्स ऑफ ब्रेड बनाते थे, LOVES, लोव्स ऑफ ब्रेड। सो वो असल में ना, और आपका आंसर ये नहीं होगा, आंसर में आप यही लिखोगे बेटा, पोर्चुगीज डेज के बारे में जो थे वो लोग क्या थे, मैंने स्लैश मार दिया है। ये आंसर अगर आप ढंग से लिखो तो आंसर क्या है कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो असल में पोर्चुगीज दिनों को लेकर के बहुत ज्यादा याद करते थे, इस चीज को लेकर के नॉस्टैल्जिक रहते थे, वो नॉस्टैल्जिया में थे, ठीक है, नॉस्टैल्जिकली उसको याद करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शासन को याद करते थे कि भाई बड़ा मजा आता था जब पोर्चुगीज हम पर राज करते थे, नहीं, उनको एक्चुअली पोर्चुगीज के दिन
इसलिए याद आते थे क्योंकि वो ब्रेड से बहुत प्यार करते थे और उस टाइम पे जो ब्रेड बनती थी वो बहुत टेस्टी हुआ करती थी, तो वो उन दिनों को याद करते थे वो ब्रेड के लालच में कि भाई ब्रेड बहुत टेस्टी थी, वो भी क्या दिन थे, क्या अच्छी अच्छी ब्रेड खाने को मिलती थी। सो ये कंप्लीट आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ईजी है, मेरे सारे प्यारे बच्चों ने बहुत जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में डाल भी दिया होगा क्योंकि मैंने बोला था अभी अभी, है ना, याद भी दिलाया था कि उसे याद रखना है क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर क्या है? पैडर, सिंपल। सो व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा? दे आर कॉल्ड पैडर्स। क्या बोलते हैं हम उनको? पैडर बोलते हैं। सो याद रखेंगे इसको। चलो जल्दी से एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, बहुत इजी है, मैंने अभी अभी बहुत बारी पढ़ाया है। हमारे इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, हमारे इस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है? हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा? ये कैसे रैंडम क्वेश्चन है मेरी तरफ से, लेट्स सी हाउ मेनी किड्स आर एबल टू आंसर इट। चलो जल्दी जल्दी से आंसर आ रहा है, तब तक मैं यहाँ पे आंसर रिवील कर देती हूँ। सो आंसर है लूसियो रॉड्रिग्स। इतनी बारी तो मैंने नाम ही ले दिया होगा। लूसियो रॉड्रिग्स, ठीक है। चलो सो इतनी हमने पढ़ लिया है, जल्दी से एक बार आगे का सेशन भी देख लेते हैं। जो आगे का सेक्शन है उसके अंदर क्या बात की जा रही है? सो आगे के सेक्शन में अब बात हो रही है इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर। अभी तक उन्होंने बता दिया कि बेकर का क्या रूटीन होता था, बेकर कहां से आया, गोवा में बेकिंग कहां से आई। तो बच्चे आप ना इस पोर्शन को समझो कि कहानी कैसे अब चेंज हो रही है, कैसे कैसे वो क्या कर रही है, कैसे कैसे अब वो अलग अलग फेजेस में जा रही है। सो लूसियो रॉड्रिग्स ने अभी तक कहानी शुरू करी थी कि गोवा में बेकिंग कैसे आई, गोवा के अंदर बेकर का जो है पूरा का पूरा कहानी जो है वो आपको इस तरीके से ही बता रहे हैं कि गोवा में बेकिंग कैसे आई, बेकिंग से बेकर्स जो हैं वहां पर इतने ज्यादा क्यों प्रचलित हैं, ठीक है, प्रचलित से मेरा मतलब है फेमस, ठीक है, वो इतने ज्यादा वहां पर क्यों फेमस हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ में बेकर का क्या रोल था, बेकर क्या करता था। अब वो बता रहे हैं कि गोवा में वहां के लोगों की जिंदगी में बेकर की इंपॉर्टेंस क्या है। सो यहां पर वो बोल रहे हैं, देखो किसी की भी शादी होती थी ना, बेकर की अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस है वहां पर। सबसे पहली बात देखो, पहले ही लाइन में वो बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट अ बेकर वॉज फॉर द विलेज, नॉट इनफ कैन बी सेड, मतलब जितना कहेंगे उतना कम है कि कितना ज्यादा जरूरी है बेकर गोवा के लोगों की जिंदगी में, ठीक है। तो मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस, लोगों की शादियां होती थी ना तो अब लोग हम क्या करते हैं, लोग गिफ्ट्स लेकर के जाते हैं। वो कह रहे हैं अगर मैरिज गिफ्ट में, अगर किसी की शादी के तोहफे में अगर आपने एक ब्रेड होती थी खास प्रकार से, ठीक है, उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे, बोल, बी ओ एल। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर मैंने यहाँ पे लिख कर मार्क कर दिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू रिमेम्बर इट, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से घुमा करके दे देते हैं सीबीएसई। भाई बिल्कुल भी हम लोग ना ऐसे सोच के नहीं चलेंगे कि क्वेश्चन बहुत ईजी आ सकता है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि कुछ भी हो सकता है, कैसे भी कुछ भी घुमा करके पूछा जा सकता है, हर एक चीज के लिए तैयार रहना है। सो क्या हो सकता है, आप लोग याद रखना कि इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर में अगर वो पूछे कि क्या इंपॉर्टेंस थी, तो सबसे पहले बता दो कि भाई किसी की शादी होती थी ना तो वहां पे आप कुछ भी गिफ्ट दे दो वो बेकार है अगर आपने उसमें गिफ्ट में एक ब्रेड नहीं दी, और वो ब्रेड खास प्रकार से कौन सी ब्रेड होनी चाहिए थी, स्पेशली बोल, ठीक है। सो यहां पर वो बोल रहे हैं कि और वो क्या थी, वो एक स्वीट ब्रेड थी, वो मीठी ब्रेड थी। सो आप कुछ भी गिफ्ट दे दोगे ना, इट इज यूजलेस, लोग बातें करेंगे कि देखना क्या गिफ्ट दिया है भाई, ये तो काम का भी नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए वहां पर क्या था, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी की शादी में गिफ्ट देने जा रहे हो तो आप एक स्पेशल टाइप की स्वीट ब्रेड लेकर के जाओ जिसका नाम है बोल, ठीक है। अब आगे वो बोल रहे हैं कि लेडी ऑफ द हाउस, भाई अगर एक ऐसी महिला, लेडी मीन्स औरत, एक महिला अगर उनके घर में उनकी बेटी की या किसी की शादी है तो लेडीज पता है क्या किया करती थी, वो अपनी बेटी की एंगेजमेंट में, शादी में, मतलब कोई भी फेस्टिवल, कोई भी ओकेजन होता था तो लेडीज सैंडविचेस बनाए जाती थी, बनाती थी। अब सैंडविचेस कैसे बन जाएंगे, ब्रेड तो चाहिए, सो एक्चुअली आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप देख रहे हो कि हर ओकेजन पर एक ऐसी चीज जो है बनाई जा रही है, खाने में एक ऐसी चीज इन्वॉल्व है जो कि कहीं ना कहीं हमें बेकर से ही लिंक कर देती है। आप अगर किसी के पास, किसी की शादी में जा रहे हो, आपको अगर उसको शादी में गिफ्ट देना है तो गिफ्ट में वहां पर रिवाज था, वहां पर लोग करते थे, दिस वॉज अ ट्रेडिशन, वहां का एक रिचुअल था कि शादी में जा रहे हैं गिफ्ट लेकर जाना है, मीठी ब्रेड होनी चाहिए, तो लोग बेकर को ढूंढते थे। अब अगर कोई लेडी के घर में उनकी बेटी की शादी है तो उनको तो सैंडविचेस बनाने ही है, अब सैंडविचेस बनाने तो ब्रेड चाहिए, तो आप अल्टीमेटली बेकर के पास जाओगे, तो हुआ ना बेकर इंपॉर्टेंट, हुआ कि नहीं हुआ, मानते हो, है ना। सो और तो और वो बोल रहे हैं केक्स एंड बोलनहास। अब बोलनहास क्या होते हैं,
खास प्रकार की ब्रेड होती है, ऐसे तो मैंने भी नहीं खाई है। किसी ने खाया है यहाँ पर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आप लोगों ने बोलेनहास खाया? कोई है यहाँ पर बच्चा जो गोवा से बैठा हुआ है? ही माइट बी नोइंग इट वेरी वेल, उस बच्चे को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, मुझे भी बताइएगा, क्योंकि बोलेनहास मैंने नहीं खाया है, बट आई वुड रियली लव टू ईट इट, मैं भी उसे खाना चाहूंगी। केक्स तो हम सबने खाए, केक्स तो सबके फेवरेट होते हैं, बर्थडे पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, क्रिसमस पार्टी, ओकेजन, एनिवर्सरीज, कुछ भी हो भाई, केक खाने के लिए बहाना चाहिए होता है। तो केक तो सबके फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है, आप लोगों के भी हैं, जैसे सेम पिंच, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहना। बट हाँ, स्पेशली बोलेनहास एक टाइप की ब्रेड होती है, इतना मैंने सुना है, आई हैव सीन इट, ठीक है, लेकिन मैंने कभी खाया नहीं। अगर किसी ने खाया हो तो प्लीज बताइएगा कि टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। सो केक और बोलेनहास जो है ना, वो फेस्टिवल्स में बहुत ज़रूरी होते थे। कहीं क्रिसमस आ गया है, दिवाली आ गई है, कोई भी त्यौहार है, आप कुछ भी मना रहे हो, आपके आपको क्या रखना है, आपको केक तो उसमें होना ही चाहिए, बोलेनहास तो होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली कोई भी त्यौहार है, उस त्यौहार में अगर ये चीज़ें चाहिए तो यानी कि बेकर का होना फिर से ज़रूरी है, बेकर नहीं तो केक कहाँ से आएगा। तो देख रहे हो कहीं ना कहीं बेकर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोल रही हैं कि भाई बेकर तो गोवा में, गोवा के लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता था। अब आगे बात हो रही है कि बेकर दिखता कैसा था। सो दिस पैराग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्वेश्चंस यहीं से सबसे ज्यादा आते हैं। सो हैशटैग इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, हैशटैग इंपॉर्टेंट मैं बोल रही हूँ, तो इसको मार्क कर लो बहुत अच्छे से, और जो मैं समझा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर बेकर की अपियरेंस की बात हो रही है कि वो कैसा दिखता था, ठीक है। तो बच्चे देखना, यहाँ पर जो बेकर या ब्रेड सेलर हम जिसको बोल रहे हैं, उस वो ना एक बहुत ही पेक्यूलियर ड्रेस पहनता था। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेक्यूलियर, डज एनीवन नो? किसी को पता है? नहीं पता है, मैं बता देती हूँ। पेक्यूलियर मीन्स स्पेशल, वेरी स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस, बहुत ही विशेष रूप की एक खास प्रकार के कपड़े पहनता था वो, ठीक है। अब उस कपड़े को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, सो इसको लाइन बाय लाइन आप समझ लेना, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, ठीक है, द बेकर्स यूज टू वेयर, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कैसी प्रकार की, कौन से टाइप की ड्रेसेस वो पहना करते थे बेकर्स। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि बहुत ही पेक्यूलियर ड्रेस थी, यानी कि ऐसी ड्रेस नहीं जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, स्पेशल ड्रेस थी, खास तौर की ड्रेसेस पहनते थे बेकर्स। अब वो कैसी थी, देखो उसका नाम भी था कबाई। अब उन ड्रेसेस को क्या बोलते थे, कबाई नाम उनको दिया गया था। अब ये क्या है, दीज आर कॉल्ड जैकेट्स, है ना, ऐसे बटन वाली जिनके आगे बटन होते हैं उन्हें शर्ट्स बोलते हैं, तो सभी ड्रेसेस के नाम है। सो जो खास तौर पे बेकर्स के लिए बनाई जाती थी ना ड्रेसेस, उनका नाम कबाई था। सो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कबाई, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस जो कि बेकर्स पहनते थे, बेकर्स यूज टू वेयर, ठीक है, वो होती है कबाई। और वो कैसी दिखती थी वो अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, एक सिंगल पीस का लॉन्ग फ्रॉक होता था जो घुटनों तक होता था, मतलब अगर देखें तो वो घुटनों तक एक लॉन्ग सा फ्रॉक अगर हम बोले, ऐसे यहाँ पे इसने फ्रॉक नहीं पहना है, मैं जस्ट एक आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। सो बच्चे अगर यहाँ पर एक सिंगल पीस, मतलब ऐसा नहीं है कि एक टुकड़ा ऊपर यहाँ पे इस टाइप का कुछ पहना है देन समथिंग डाउन हेयर, नो, एक सिंगल पीस फ्रॉक हुआ करता था ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, और उसकी लेंथ थी घुटनों तक, वो नीज तक फ्रॉक था, ठीक है, और तो और उसको ही कबाई बोलते थे। लेकिन वो बोल रहे हैं इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट, सो कबाई अलग है जो लूसियो रॉड्रिग्स ने देखा बेकर्स को पहनते हुए, अलग है। अगर क्वेश्चन आता है, ये ट्रिकी पार्ट है, यहाँ पर समझ लीजिए, ध्यान ज्यादा दीजिएगा कि अगर वो बोलते हैं कि बेकर्स जो है वो कैसी ड्रेस पहनते थे, आपको दो चीजें समझानी है कि एक पेक्यूलियर ड्रेस हुआ करती थी उनकी, ठीक है, यानी कि एक स्पेशल ड्रेस हुआ करती थी जिसका नाम था कबाई। कबाई कैसी थी, एक सिंगल पीस फ्रॉक था जो घुटनों तक आता था। साथ ही साथ आप ये भी बताओगे कि भाई जब हमारे लेखक यानी कि हमारे राइटर जब छोटे थे, when he was a child, तब उन्होंने बेकर्स को क्या पहनते देखा था, तो उन्होंने देखा कि बेकर्स जो है एक शर्ट पहनते हैं और ट्राउजर पहनते हैं विच वर शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन द हाफ पैंट्स। So, दो प्रकार की ड्रेसेस की बात हो रही है, एक ड्रेस की बात नहीं हो रही है। वो बोल रहे हैं कि कबाई जो थी, दोबारा मैं बता रही हूं, वो एक सिंगल पीस फ्रॉक था जो घुटनों तक आता था, और ये तो कबाई था, और ये स्पेशली किसके लिए बनता था, स्पेशल ड्रेस थी ये हमारे बेकर्स की। लेकिन हमारे राइटर ने अपने बचपन में बेकर्स को कुछ ऐसे कपड़े पहनते देखा था, इस टाइप की ड्रेस हमारे बेकर
पहना करते थे हमारे राइटर के अनुसार, उनके बचपन में उन्होंने बेकर्स को ऐसी ड्रेस पहनते देखा था। अब ये ड्रेस कैसी थी, ऊपर तो वो एक शर्ट पहन लेते थे, नीचे पहनते थे पैंट। अब वो पैंट ऐसी थी बेटा कि वो ना हाफ पैंट से तो लंबी थी लेकिन फुल पैंट से छोटी थी। कैप्री होती है ना, कैप्री कि मतलब निक्कर भी नहीं है, निक्कर होते ना शॉर्ट्स, सो वो शॉर्ट भी नहीं है, घुटने तक, घुटने से थोड़ी सी नीचे भी है लेकिन फुल लेंथ की पैंट भी नहीं है, कैप्री भी बोलते हैं हम इस लोग इस चीज को। सो पूरी पैंट भी नहीं है लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है, वो बीच मिडल लेंथ की पैंट्स पहना करते थे। सो इस ड्रेस में हमारे राइटर ने बेकर्स को देखा था अपने बचपन में। सो दो ड्रेसेस की यहां पर बात की गई है। अब वो बोल रहे हैं कि आज के टाइम पर भी अगर कोई इंसान क्या कर लेता है, अगर कोई इंसान इस टाइप की ड्रेस पहन लेता है ना तो लोग उसे पैडर बोल देते हैं, इतना फेमस था। यानी कि ये ड्रेस जो है ना इतना ज्यादा, सिर्फ केवल कौन पहन के घूमते थे, केवल वहां पर बेकर पहन के घूमते थे, कि अगर आज के जमाने में कोई नॉर्मल इंसान भी ऐसी ड्रेस पहन ले ना कि ऊपर शर्ट डाल ले और नीचे मिडल लेंथ के ट्राउजर्स डाल ले तो लोग उसे पैडर बोल देते हैं कि भाई देखो इसने तो पैडर की तरीके से कपड़े पहन रखे। सो दिस वॉज दैट फेमस, ये इतना फेमस था, ठीक है, ये ड्रेस इतनी ज्यादा फेमस थी। तो यहां पर ये बात की गई है। एंड नाउ वी हैव कम कहां पर, हमारे लास्ट सेक्शन पे हम लोग आ चुके हैं। सो वी हैव कम टू द एंड, अब यहाँ पर हम अंत में आ चुके हैं। सो यहाँ पर बात हो रही है कि देखो बेकर जो है वो क्या करता था। बेकर एक्चुअली अपना जो है ना सारा सामान जो था वो लोगों को बेचता था और महीने के आखिर में हिसाब कर लिया करता था कि मैंने इस लेडी को इतना सामान बेचा, और वो जो सारी कैलकुलेशंस थी वो अपने ना दीवारों पे पेंसिल से लिखता था कि भाई ठीक है आज के दिन में मैंने इन लोगों को इतना बेचा, इसको इतना बेचा, एंड मंथ के एंड में वो अकाउंट सेटल कर लिया करते थे, ठीक है। उसके बाद बेकिंग वॉज इनडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, वो कह रहे हैं बेकिंग जो थी ना, ऐसा मत सोचिएगा कि बेकर्स जो थे वो बहुत ही फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पास पैसा नहीं आता था कि भाई बेकर हैं कितना ही बेच लेते होंगे जिंदगी में, एक दिन में कितनी ब्रेड बिक जाती होगी, बहुत बिक जाती थी। अभी आप देखो, अभी हमने देखा कि बेकर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी, लोग हर फेस्टिवल में हर जगह पे ब्रेड ही ब्रेड जो है प्रेफर करते थे, ब्रेड्स खाना पसंद करते थे, लोगों को पसंद इतनी थी ब्रेड, बच्चों को पसंद थी, यानी कि आप देखो बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सबको ब्रेड पसंद थी। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि बेकर्स का बिजनेस अच्छा चल रहा था और वो बहुत ही कैसा था, और उनमें उनको बहुत प्रॉफिट भी हो रहा था, उनको बहुत मुनाफा हो रहा था, ठीक है। और यहां पर बात की जा रही है कि बेकर और उसकी फैमिली जो थी ना उन्होंने कभी भी ऐसे स्ट्रगल नहीं किया, ऐसा नहीं है कि कभी भी ऐसा टाइम आया हो कि उन्हें भूखे रहना पड़ा, उन्होंने अच्छे से अपनी जिंदगी बिताई। सारे बेकर्स अच्छे से जिंदगी बिताते हैं वहां पर, क्योंकि बेकर्स की अलग ही वहां पर क्या है, डिमांड है, बहुत इंपॉर्टेंस है, उनकी फैमिली बहुत ही अच्छे से रहती है, ठीक है। मॉनिटरी टर्म्स में मतलब पैसों के मामले में कभी उनको प्रॉब्लम नहीं आई। और तो और वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि बेकर्स जो था ना उनकी, आप कह सकते हो उनकी सक्सेस एक तरीके से हम बोले, या फिर उनकी प्रोस्पैरिटी ऐसे देखने को मिल जाती थी कि जितने भी बेकर्स होते थे ना वो ऐसे मतलब एकदम उनकी तोंद निकली होती थी, है ना, दे यूज टू बी फैट, उनका जो पेट था वो ऐसे बाहर आता रहता था। सो कह रहे हैं कि आप उनको देख कर ही समझ जाओगे कि ये इंसान ना अच्छा पीछा अच्छा अच्छा खासा खाते पीते घर का है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बेचारे बहुत ही स्टार्व कर रहे हैं कि बहुत दो दो दिन हो जाते, तीन तीन दिन हो जाते उन्हें खाने को नहीं मिलता, ऐसा नहीं था, खूब हट्टे कट्टे मोटे ताजे हुआ करते थे वो लोग। तो उनको देखकर ही समझ में आ जाता था कि भाई ये जो बेकिंग का बिजनेस है वो बहुत ही कैसा है, बहुत ही किफायती बिजनेस है, बहुत ही मुनाफा मिलता है उसमें से, काफी प्रॉफिटेबल है, ठीक है, जब वो इतने मोटे ताजे थे। और वो बोल रहे हैं कि उनके अपीयरेंस को यहाँ पर डिफाइन किया है जैक फ्रूट लाइक। जैक फ्रूट क्या होता है, शायद आप लोग जानते होंगे, कटहल, कटहल देखा है, कटहल, कटहल की सब्जी भी बनती है, है ना, जैक फ्रूट उसे इंग्लिश में बोलते हैं, सो कद्दू टाइप समझ लो, चलो कटहल होता है ऐसे तो इसका मतलब। सो वो बोल रहे हैं कि उनका ना फिगर ही ऐसा होता था, उनका ना बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि भाई एक तो ऑलरेडी इतनी इंपॉर्टेंस गोवा में बेकर्स की, लोगों को सबसे ज्यादा बेकर होना जरूरी है, एक गांव में इतने बहुत सारे, कम से कम 5-6 आप लोगों को छोटे से गांव में भी 5-6 बेकर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि लोगों का सबसे ज्यादा जुड़ाव, सबसे ज्यादा वहां पे जो चीज की मांग थी वो थी बेकर्स की, तो बेकर्स का बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, कभी ऐसा नहीं कि कभी पैसे की कमी रही हो। तो वो लोग काफी हट्टे कट्टे ताजे खाते पीते घर के थे, पेट वेट बाहर निकल रहा था और कद्दू जैसा शरीर था उनका, तो अगर कोई भी इंसान आपको थोड़ा मोटा सा दिख जाता था ना तो लोग उनको क्या कर दिया कह दिया करते थे, लोग उनको तब भी बेकर बेकर कहकर चिढ़ाया करते थे। सो ये पूरा हमारा चैप्टर है जिसके अंदर उन्होंने सारी बातें की गई है। लूसियो रॉड्रिग्स ने अपने पूरे बचपन को खोल करके समझाया कि उनके बचपन में जो कि उन्होंने गोवा में बिताया,
कैसे गोवा में बेकिंग का जो है पूरा कल्चर आया, ठीक है, बेकिंग का पूरा प्रोफेशन वहां पर आया, कैसे वो प्रोफेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया गोवा के लोगों की जिंदगी में। बेकिंग वहां पे आई, बेकर्स वहां पे आए, है ना, पोर्चुगीज लोगों के साथ, पोर्चुगीज चले गए पर बेकर्स रह गए। अब वो बेकर्स का रूटीन क्या था, वो दिखते कैसे थे, बेकर्स का इतनी ज्यादा अहमियत क्या थी गोवा के लोगों में, सो सब कुछ हमें पता चला है इस चैप्टर के अंदर। अब इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करने वाले हैं डिस्कस, तो आप लोगों को यही रहना है, कहीं नहीं जाना है। हम लोग मिलेंगे हमारी अगले लेक्चर में जहां पे हम करेंगे मेंटी क्विज। सो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूं और हम देखने वाले हैं कि ये चैप्टर को लेकर के आप लोगों को कितनी क्लैरिटी आई है, कितना अच्छे से समझ में आया है और कितना रेडी हो तुम लोग अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सो चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, वीडियो को अच्छे से अगर कुछ ना समझ में आया तो जस्ट रीप्ले इट, उसे एक बार रीप्ले करके देखना। आई एम श्योर एंड आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप लोग डाउट्स वगैरह आप लोग डिस्कस अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट सेक्शन में कर सकते हो और डाउट्स भी अपने कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल जस्ट गो थ्रू देम और मैं देख लूंगी अगर एक कॉमन डाउट हुआ तो हम उसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और क्विज तो जरूर खेलेंगे, खूब सारा फन करेंगे अगले लेक्चर में। तो स्टे ट्यून्ड, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच किड्स।